भैया मुस्कुराइए। जय बाबा की, जय बाबा की। माही दीदी के दुकान पे आए हैं। क्या करने बता दीजिए क्या करने आए हम लोग माही दीदी के दुकान पे आए हैं, चाय पे आए हैं। और अभी अभी क्या बना रहे हैं? जिसे भी खाना है और ये देखना है कि अच्छा बनता है कैसा बनता है, तो माही दीदी की दुकान पे आए और खूब सारा खाएं। मुंह से बोलिए, अब अंगूठा मत दिखाइए। ये चाय काफी अच्छी है और अदरक का स्वाद भी बहुत अच्छा। अच्छा ही लग रहा है, भक्तों को खिलाओ। भगवान है, और संकल्प करते रहिएगा, वाइफ के लिए संकल्प करिएगा, वो भी करें और आप भी करो। करते हो दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा लेने के बाद और तेजी से वो ठीक होंगे। कर्म भोग कटेगा, माला जपेंगी और तेजी से ठीक होंगे। भले ही आपसे कट रहा है लेकिन लाना सभी को, सबको दर्शन कराओ बाबा के। गुरु दीक्षा में सीधे लेके आएंगे, गुरु दीक्षा में लेके आइए, सबको दीक्षा दिलाइए। हाँ, गुरु दीक्षा में लेके करेंगे, इधर मुझे ले के आना जरूरी है। लेके आते हो तो अच्छा है ना, सब देखो सबका जीवन अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है, सबको लेके आते हो तो अपना अपना प्रार्थना करेंगे, अपना अपना संकल्प करेंगे। बिटिया हमारी थोड़ी छोटी है ना, इसीलिए सोचते हैं। सब बाबा के चरणों में लेके आओगे ना तो सब मैनेज हो जाता है। ये हमारा छोटी है बड़ी है, सब दिमाग का ना भरम, बाबा के पास लेके आओ। हम सब लोग देखो सब दुख में ही है इस समय, यहाँ पे जो आता है ना सब दुख में, सब के हम तो बहुत अच्छे हैं, लोगों का तो हाथ पैर भी नहीं, उन लोग भी आते हैं। हम ना जितना अपने दिमाग बहाने जितने करेंगे, बहाने से हमारा ही नुकसान है। हमको भी पता है कि वो उतना बड़ा कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे आना। जब पद यात्रा करके आपने 9 घंटा पुण्य प्राप्त कर ही लिया है, बाकी चीज़ें उनको ला के उनकी सबकी हाजिरी तो लगा दीजिए दरबार में। सबका जीवन अलग अलग है, इसलिए हाजिर डीएनए की चिकित्सा दरबार तो करता ही है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि पूरा परिवार आए, अपना अपना नत मस्तक हो गए दरबार। ये एक मेरा काम कोई करेगा, काम ये करना है कि बस ये इडली जो है ना पहुँचा देना।
पिछले आप लोग कितने, हम दो दो लोग बैठे हैं सामने, तुम्हें रास्ता बता रहे थे। सब बाबा करवा था। आप लोगों के भी ना अच्छे कर्म थे, कभी ना कभी कोई आपने भगवान के संग कुछ किए होंगे जो आपने दिव्य दरबार से हुआ। ये सब नए नए आए दीदी, पहली पहली बार आए, इनको पता नहीं कहाँ बैठ के क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और वीडियो भी देखे है कि नहीं पता नहीं, वीडियो दरबार के वीडियो देखते हैं कि नहीं? वीडियो मोबाइल उससे क्या होता है, एक बार खाना खाने से क्या होता है, रोज खाना खाना पड़ता है तभी तो शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ नहीं, ये अच्छे अभी ना बहुत गंदगी है, इनको लगता है बहुत इतना कहने तो क्या फायदा है, घर ही है ये, यहाँ जो भी मिलता है ना घर वाली चीज अगली चीज मिलती है प्योर एकदम बढ़िया, जैसे घर में होता है। कहीं जाए तो तब ठीक है, नहीं तो ये नहीं, एक गया तो एक आया, दो गए तो एक, ये गलत बात है, ठीक है ना? पद यात्रा कर रहे हैं हाँ, तो सबको साथ रहना चाहिए। वो तो डिला आप लोग का तो कार्ड बना होगा ना दरबार से भोजन का, बाकी नहीं चलो बन गया ठीक है, अभी तो 5 दिन का है, अगर ज्यादा टाइम लग गया तो भैया रहेंगे तो आप ऑफिस ही रहेंगे। नहीं लेकिन ना दरबार का प्रसाद अगर मिल रहा है तो बहुत जरूरी है, दरबार का प्रसाद है, जब जब भी दरबार में जो चीज मिले भंडारा या कोई भी प्रसाद पहले पहुँचे। सही बात है, चलो चलो ठीक है। आपने वीडियो बना के डाली थी हमारी, फिर वो डिलीट हो गई, फिर बच्चे के सामने से नकार पंडे हवन का पुण्य ले रहे हैं। अच्छा, उन लोग के लिए तीन दिन अपना तो सब कुछ फिनिश है। हाँ, अपना फिनिश है, तो जो पहली बार आए हैं और पहली बार ही पदयात्रा की है। हाँ, पहली बार पदयात्रा के लिए तीन अवश्य इसलिए जरूरी है। हाँ।